हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक छोटे से गांव से निकलकर अपने हौसले और मेहनत के दम पर दुनिया का रिचेस्ट आदमी बना। उनका नाम है इंग्वार कैम्प्राड। इंग्वार आइकिया के फाउंडर हैं। आइकिया एक कंपनी है जो लोगों को सस्ते दामों पर फर्नीचर बेचती है। इंग्वार का सपना था कि हर कोई सस्ते दामों पर फर्नीचर खरीद सके और उन्होंने ये अपना सपना आइकिया कंपनी के थ्रू पूरा किया। इंग्वार का जन्म 30 मार्च 1926 को एक छोटे से गांव में हुआ। इंग्वार के पिता, दादा और चाचा सब बिजनेसमैन थे। बिजनेस करना उनके खून में ही था। इंग्वार ने अपना पहला बिजनेस 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। वो बल्क में पेंसिल्स खरीदते थे और स्कूल्स में जाकर बच्चों को बेच देते थे और प्रॉफिट भी लेते थे। वो पेंसिल बेचकर कमाए हुए प्रॉफिट को खर्च नहीं करते थे बल्कि उसको सेव करते थे। ऐसे ही पैसे सेव करके उन्होंने अपने लिए एक साइकिल खरीद ली थी। अब वो आसपास के गांव में जाकर भी पेंसिल बेचते थे। इंग्वार को डाइसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी जिस वजह से वो सही से पढ़ लिख नहीं पाते थे। इंग्वार कभी भी कॉलेज नहीं गए। जब वो 17 साल के थे उन्होंने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और आइकिया नाम की एक कंपनी खड़ी कर दी। 2 साल बाद उन्होंने बिजनेस में हुए प्रॉफिट से कुछ ट्रक्स खरीदे और उन ट्रक्स में सामान बेचना शुरू कर दिया। 1947 में उन्होंने फर्नीचर बेचने का काम शुरू कर दिया। वो फर्नीचर को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचते थे। बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। इंग्वार बहुत ही क्वालिटी का फर्नीचर आइकिया के वेयरहाउस से कस्टमर्स को भेजते थे। इंग्वार का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो किया और उनका बिजनेस पूरे स्वीडन में फैल गया। जब आइकिया का पहला स्टोर शंघाई में ओपन हुआ तो पहले ही दिन 80,000 लोगों ने आइकिया स्टोर में शॉपिंग की थी। आज दुनिया भर में आइकिया के 300 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। इंग्वार ने ना तो कभी किसी बैंक से लोन लिया और ना ही किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट। फॉर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से आइकिया दुनिया का 40वां मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। इंग्वार की डेथ 2018 में हो गई थी। उनकी डेथ के टाइम उनकी नेटवर्थ $58 बिलियन थी। इंग्वार दुनिया के रिचेस्ट आदमी हो सकते थे। दुनिया की सबसे महंगी कार्स, जेट्स और मैंशंस खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़्यादातर दौलत डोनेट कर दी। इंग्वार जब भी ट्रैवल करते थे तब वो इकोनॉमी क्लास में करते थे, सस्ते होटल्स में रुकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ज़िंदगी में असली खुशी और सेटिस्फेक्शन कमाने से नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने से होती थी। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोच के रुक जाते हैं कि मेरी छोटी उम्र है या एक्सपीरियंस की कमी है या घर वालों का प्रेशर या बहुत सारी ऐसी बातें। इंग्वार ने तो 6 साल की उम्र में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। और रही बात एक्सपीरियंस की, वो तो काम करने से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आइकिया कंपनी की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।